मम्मी ने ये सारे कपड़े धो के रखे हैं पिछले कल, और आज का मौसम भी खराब खराब सा है, फिर भी गर्मी हो रही है। हम तीन जन जाएंगे खेत में, और बाकी जन बाकी भी 7-8 जन करे हुए हमने, वो दूसरे खेत में गए हैं। अभी हम तीन तीन ही एक खेत में जा रहे हैं, एक बगीचे में जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा है इसीलिए। बस अभी हम पहुंच गए हैं खेत में। यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ हर है जो पके हुए हैं, जो रेड रेड हो गए, उनको हम निकालेंगे और बाकी नेक्स्ट दौरान के लिए रखेंगे। कहते हैं कि बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। उनसे पूछे जो काम करता है कैसा रहता है बारिश के बाद का जो मौसम है। अगर ऐसा रास्ता हो, कीचड़ कीचड़ हो और काम करना हो। एक जन नीचे बैठेगी, मैं नीचे बैठूंगी, और मम्मी और आंटी जी पेड़ पे चढ़ के मेरे पास सेब देंगे इन बैगों में। ये छोटे छोटे पेड़ है, आंटी जी कह रहे थे कि ये वाला जो पेड़ है पिछली बार यही आंटी इस पेड़ में चढ़े थे और पेड़ टूट गया नीचे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे पेड़ हैं। हमारी ड्यूटी चेंज हो गई है, मैं पेड़ पे चढ़ रही हूँ और मम्मी नीचे बैठ के पकड़ेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम हर रही है, आप देख सकते हो ये भी हरा है जो पके पके हुए हैं। मम्मी ले बैग, बैग। पता नहीं लगभग 3-4 साल बाद सेम निकाल रही हूँ मम्मी, कभी नहीं खोले। मम्मी कह रहे कभी नहीं खोले, मैं खो गए 4-5 साल, मतलब ऐसे पेड़ पे चढ़ के मैंने सेब नहीं निकाले थे ना, इस बार मेरा मतलब है कि मैं निकाल सकती हूँ। ऐसा सारे सेब छड़ा है, एक हमने एक किल्टा हमने निकाल दिया है। दे आंटी जी बैग, आंटी ये पेड़ थोड़े से अजीब है, मतलब ज़्यादा भार हम इसको इनके ऊपर नहीं डाल सकते, नहीं तो टूट जाएगी इसकी तरह। यहाँ पर थोड़ा ही टाइम लगेगा और फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरे बगीचे, वहाँ पर हमें मिलेंगे, वहाँ पर हम बहुत सारी होंगे, औरतें भी है, लड़की सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सारे आंटी आऊँगी और मम्मी पापा और अंकल सेब जो ढोने वाले हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो सेब कलेक्ट करेंगे। सेब के सीज़न में मज़ा आता है यार। अरे भाई तू मेरे पेट के लिए आ जा, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत टेस्टी है। अभी तीन जन और आ गए, एक इस वाले पेड़ में, तीन नीचे वाले पेड़ में और एक यहाँ पर है। उठाने वाले भी आ गए, अभी हम हो गए यहाँ पर बहुत सारे,
तो फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म करेंगे जिन पेड़ पे चढ़ने का वो नहीं है, उसे डंडे के साथ निकाल रहे हैं। तू बोले काले आऊं गोरी प्यारा सुन अभी जा रहे हैं क्योंकि हमने कर दिए है यहाँ के सारे सेब निकाल के जो पके हुए थे वो सारे सेब हमने निकाल दिए है और अभी हम जाएंगे लंच करने। तो फिर लंच करने के बाद हम जाएंगे दूसरे बगीचे में। तेरी बहन कितना काम करती खाना बनाए हमारे लिए? नहीं खाओ इसको, चाय बनाने को बोली थी और ये फटा हुआ दूध डाल दिया। नहीं पिछले कल रात का दूध डाल दिया। ओमा क्या था पिछले कल रात का दूध डाल दिया इसने, देखो फट गया ना दूध। तब क्या अपना फोन दे और ओ साइड में जल्दी आई असर में आ गया थोड़ी देर नीचे जल्दी में नीचे बैठा रहा। कहाँ जाना तूने? क्या पोस्ट मेरे फोन में नहीं डालनी है, लॉग आउट नहीं करना है। पता क्यों मेरे वहाँ इतनी सारी वो रील्स अगर लॉग आउट करते फिर होती है वो सारी साइड कसम से। आज का मौसम भी खराब है। आ जाना बूंद में ना मम्मी आ जुड़ा रात का इन्हें बाकी नहीं पता नहीं कब जुड़ा था। किससे बूटी आनी जीप से? हाँ जी आया कि नरगिस नरगिस बर्तन धोई बोला। कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जाएंगे। मेरे बाल में ना ये वाले ना पूरे बाल में मम्मी की जरा सर में लगा के आना पड़ेगा कुछ वरना मेरे पूरे बाल में ये फंसेंगे। ये वाले फंस रहे हैं, ये वाले कपड़ों में भी हैं। यहाँ देखो पूरे में फंस गए हैं। अभी हमने यहाँ पर रख दिया इनको क्योंकि करेट कम हो गई है। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। हम आ गए हैं अभी हम आ गए हैं खेत से तो और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो बाहर नरगिस हमारे लिए मैं हम इसको कब से बोल रहे चाय ला ही है कि चाय ला ही नहीं रही है बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का। बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।